भारतीय किसान यूनियन क्रांति के युवा जिला अध्यक्ष राकेब महाराजा ने कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई दर्दनाक घटना के विरोध में किसानों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और चिकित्सा प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की। इस घटना से किसान बहुत नाराज है और इसी नाराजगी के चलते गढ़ मुक्तेश्वर के मीरारेती क्षेत्र में भी किसानों ने सोमवार रात को कैंडल मार्च निकाला। राकेब महाराजा युवा जिला अध्यक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। फरीद चौधरी, सफात चौधरी, हाजी सखात अली, डीपी निषाद, नाजिम खान, समीर सेफी, वकील खान, जीतू कुमार, राकासिम अंसारी, विशाल कुमार, जावेद खान, उस्मान कुरैशी, फान कुरैशी, डॉक्टर रा समीर, डॉक्टर रा जाने आलम, रिजवान कुरैशी, अबूबकर रा नौशाद आदि मौजूद रहे। गढ़मुक्तेश्वर से गुलजार अली की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।